हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे आईआईटी मद्रास ग्रेजुएट के बारे में जिन्होंने अपने कैरियर में इतनी बड़ी माइलस्टोन अचीव कर लिया है कि दुनिया भर में उनका नाम हो रहा है। और नाम क्यों ना हो, गूगल ने उन्हें क्या किया है, 300 करोड़ का जॉब ड्रॉपिंग पैकेज ऑफर किया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 300 करोड़। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं और मिलते हैं प्रभाकर राघवन से, जो आईआईटी मद्रास से निकलकर गूगल के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बन गए हैं। प्रभाकर राघवन का सफर भोपाल के कैंपियन स्कूल से शुरू हुआ और जहां से उन्होंने आईआईटी मद्रास तक का रास्ता तय किया। आईआईटी मद्रास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डीप स्टडी करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैंटा वर्ना से अपने मास्टर डिग्री हासिल की। फिर 1986 में अपनी पीएचडी कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट किया। आप देख सकते हो कि उनका फाउंडेशन कितना स्ट्रांग था, पर ये तो बस शुरुआत था। पीएचडी के बाद उन्होंने आईबीएम में रिसर्च करना शुरू किया और फिर एल्मेडन रिसर्च सेंटर में सीनियर मैनेजर बने। यहाँ पे उन्होंने कंप्यूटर साइंस प्रिंसिपल में काफी रिसर्च की। आप समझ रहे हैं, वो एरा था जब इंटरनेट और टेक कंपनीज दुनिया में एक नई दुनिया बना रही थी। 1990 के दौरान उनका नाम सिलिकन वैली के एलिट टेक माइंड्स में आ चुका था और जब वो याहू में ज्वाइन हुए, उन्होंने वहां के सर्च और एड्स रैंकिंग सिस्टम को हैंडल किया। उसके बाद गूगल ने इन्हें 2012 में हायर किया एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ उन्होंने गूगल सर्च असिस्टेंट, जियो एड्स, कॉमर्स और पेमेंट जैसे बड़े प्रोडक्ट्स को लीड किया। आपको याद होगा स्मार्ट रिप्लाई और स्मार्ट कंपोज जैसे एआई टूल्स ये राघवन के लीड के अंदर ही आए थे। लेकिन दोस्तों, जो बात सबको हैरान कर रही है वो ये है कि जो प्रभाकर राघवन है अब गूगल के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बन गए हैं। सुंदर पिचाई ने खुद ही अनाउंस किया कि राघवन ने अपने कंप्यूटर साइंस रूट्स में एक बड़ी माइलस्टोन हासिल की है और इतने सालों तक लीडरशिप रोल्स में रहने के बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी में एक ऐसा रोल चूज किया जहां उन्हें अपनी डीप एक्सपर्टीज फिर से एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। और इसी नए रोल के लिए गूगल ने उनको 300 करोड़ का पैकेज दिया है। इमेजिन कीजिए एक ऐसे विजनरी लीडर को जो आज के एआई लैंडस्केप को लीड करेगा। गूगल को कॉम्पिटेटिव रखने के लिए एआई में उनका विजन काफी क्रूशियल होगा। तो ये मोमेंट सिर्फ प्रभाकर राघवन के लिए नहीं है बल्कि हर उस इंडियन स्टूडेंट के लिए है जो सपने देखता है टेक इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करने का। आईआईटी मद्रास से गूगल तक का सफर ये प्रूफ करता है कि अगर आपके पास पैशन, टैलेंट और डेडिकेशन है तो आप दुनिया के किसी भी टॉप कंपनी के हेड ऑफिस में पहुंच सकते हो। प्रभाकर राघवन का विजन सिंपल है, एआई को ऐसे यूज करना जो हमारे डेली प्रॉब्लम सॉल्व करें, ट्रैफिक के इशू हो या फिर नेचुरल डिजास्टर हो जैसे फॉरेस्ट फायर्स हो, एआई के थ्रू सॉल्यूशन निकालने में उनका बिलीफ है। तो दोस्तों, ये थी प्रभाकर राघवन के सक्सेस स्टोरी। कैसा लगा आपको ये इंस्पायरिंग सफर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और फ्यूचर में ऐसे और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप भी फ्यूचर में राघवन जैसे कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।